A very good evening to all of you watching this program. Myself, Dr. Sujata Kumari, gynecologist from JPH Hospital. आज मैं आप सबको एक छोटा सा बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जिसको हम लोग डिसमेनोरिया बोलते हैं उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज शेयर करना चाहूंगी. डिसमेनोरिया बेसिकली द पेन द क्रैम्प्स विच यूजुअली वेमेन एक्सपीरियंस ड्यूरिंग देयर पीरियड्स उसको हम डिसमेनोरिया टर्म से यूज करते हैं. बट बेसिकली स्लाइट अमाउंट ऑफ पेन ऑलमोस्ट ऑल वेमेन एक्सपीरियंस एंड इट्स नॉर्मल टू एक्सपीरियंस इन फर्स्ट और सेकेंड डेज ऑफ योर पीरियड्स एंड दैट इज नॉट अबनॉर्मल. बट इफ द पेन इज सीवियर इनफ अगर आपको इतना ज्यादा पेन होता है कि आप अपने नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं कर पाते हो, यू आर नॉट एबल टू गो टू योर कॉलेज और यू आर नॉट एबल टू गो टू योर जॉब एंड इन दैट केसेस यू नीड टू गो टू अ डॉक्टर अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड गेट योर सेल्फ चेक वेदर देर इज एनी प्रॉब्लम और नॉट. अगेन कमिंग टू डिसमेनोरिया, आप डिसमेनोरिया जो होते हैं वो दो तरीके होते हैं. वी कॉल इट प्राइमरी डिसमेनोरिया और सेकेंडरी डिसमेनोरिया. प्राइमरी डिसमेनोरिया जो होता है बेसिकली इट्स सीवियर क्रैम्प्स बेसिकली, बट देर इज नो अंडरलाइंग पैथोलॉजी. मतलब इन दैट केसेस आपको कोई भी एबनॉर्मलिटीज आइदर इन द यूट्रस और इन द ओवरीज और सराउंडिंग एरियाज वहाँ पे कोई भी एबनॉर्मलिटीज नहीं मिलती. बट जो नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है दैट इज एग्रीवेटेड एंड दैट कॉजेज इंक्रीज क्रैम्प्स ड्यू टू लो ऑक्सीजन सप्लाई इन द यूट्रस, व्हाट वी कॉल इट एज इस्कीमिया. सो इस कारण से आपके जो क्रैम्प्स होते हैं वो सीवियर हो जाते हैं और उसमें पेन बहुत ज्यादा होता है. एंड द अदर केस इज सेकेंडरी डिसमेनोरिया. सेकेंडरी डिसमेनोरिया हम तब बोलते हैं व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द कॉज एंड वी फाइंड एन अंडरलाइंग पैथोलॉजी. यानी आपके यूट्रस में ट्यूमर हो सकते हैं, जैसे कैन बी फाइब्रॉइड्स और एडेनोमाइसिस. देर कैन बी ट्यूमर इन योर ओवरीज और सिस्ट, व्हाट वी कॉल सिस्ट इज वेरी कॉमन लाइक चॉकलेट सिस्ट. दीज आर द कंडीशंस दैट कैन बी प्रेजेंट. देर कैन बी पेल्विक इन्फेक्शन, मीन इन्फेक्शन इन द यूट्रस एंड द सराउंडिंग एरियाज. सो देर आर अ लॉट ऑफ पैथोलॉजी दैट कैन बी प्रेजेंट. और जब हम ये कॉजेस हमें मिलते हैं तो हम उसको सेकेंडरी डिसमेनोरिया कहते हैं. सो बेसिकली एक छोटा सा जो मैं आपको इम्प्रेशन आपके माइंड पे डालना चाहती हूँ कि आप ये जानें कि जो डिसमेनोरिया है दैट इज अ प्रॉब्लम इफ इट इज लिमिटिंग योर एक्टिविटी योर डेली रूटीन. अगर आपको सीवियर होता है देन यू जस्ट यू नीड टू गो एंड कंसल्ट एंड फाइंड आउट इफ देर इज एनी सीवियर प्रॉब्लम. And if it is not so severe, you can continue with your activities as before. Thank you.